आज मैं बनाने जा रही हूँ किमामी सेवई की रेसिपी। इसे स्पेशली ईद पे बनाया जाता है, लेकिन इसका टेस्ट इतना अच्छा होता है, इसे आप कभी भी बनाकर खा सकते हैं। मेरी तरफ से मेरे सभी भाई बहनों को ईद मुबारक। हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलम, मेरे किचन में आपका स्वागत है। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में लगी बेल की बटन को दबाकर ऑल पर प्रेस करें, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। किमामी सेवई बनाने के लिए यहाँ मैंने 3 पैकेट सेवई का लिया है। यह 100-100 ग्राम का पैकेट है, तो 3 पैकेट में 300 ग्राम सेवई है। इसे हम बाहर निकाल लेंगे और थोड़ा थोड़ा तोड़ लेंगे। तो इस प्रकार से हमने इसे छोटा छोटा तोड़ लिया है। अभी इसे साइड में रख देंगे। यहाँ मैंने कुछ ड्राई फ्रूट कट करके लिए हैं। 2 टेबल स्पून पिस्ता, 2 चम्मच चिरौंजी, लगभग आधा कप नारियल, इसे मैंने इस तरह से पतला पतला काट लिया है। 2 टेबल स्पून किशमिश, 2 टेबल स्पून काजू और 2 टेबल स्पून बादाम कट करके लिए हैं। सभी ड्राई फ्रूट्स को हम थोड़ा भून लेंगे। इसके लिए मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है। अब इसमें 1 चम्मच घी डाल देंगे और सभी ड्राई फ्रूट्स को अलग अलग भून लेंगे, क्योंकि कुछ ड्राई फ्रूट जल्दी भुन जाते हैं और सबकी टाइमिंग अलग अलग होती है। सब एक साथ डाल देंगे तो कोई जल जाएगा और कुछ कच्चा ही रह जाएगा। तो इस तरह से मैंने सभी ड्राई फ्रूट्स भून लिए हैं। अब इसे साइड में रख देते हैं। अब इसी कढ़ाई में 2 टेबल स्पून घी और डाल देंगे, साथ ही इसमें सेवइयां भी डाल देंगे। अब इसे ऊपर से नीचे चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। फ्लेम मीडियम पर रखेंगे। अभी सेवइयां हमारी भुन गई हैं और इसमें अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर भी आ गया है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। अब मैंने इसी कढ़ाई को पानी से थोड़ा क्लीन कर लिया है। अब इसमें 3 कप से थोड़ा ज़्यादा चीनी डाल देंगे, साथ ही 4.5 कप पानी डाल देंगे। 1 कप चीनी में 1.5 कप पानी के हिसाब से 3 कप चीनी में 4.5 कप पानी डालेंगे। अब इसे गैस पर रख देंगे। इसे हमें कंटिन्यू चलाते रहना है जब तक कि चीनी मेल्ट ना हो जाए, नहीं तो चीनी तले में चिपक जाएगी और जल जाएगी, इससे हमारी सेवई का टेस्ट खराब हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर, कुछ धागे केसर के और थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डाल देंगे। फूड कलर ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल दीजिए, वरना इसे स्किप कर सकते हैं। जब चाशनी में उबाल आ जाए तब हम इसे 2 मिनट और पका लेंगे। इसके बाद जो सेवइयां हमने भून कर रखी हैं इसमें डाल देंगे। इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ड्राई फ्रूट्स जो हमने भून कर रखे हैं डाल देंगे। थोड़ा ड्राई फ्रूट्स गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे। अब इसे 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए पकाएंगे। 3 से 4 मिनट में सेवइयां अच्छे से पक जाएंगी और सॉफ्ट हो जाएंगी। अब इस तरह की कंसिस्टेंसी आने के बाद गैस ऑफ कर देंगे और इसे नीचे उतार लेंगे। इधर मैंने 1 लीटर दूध का मावा बनाकर रखा है। इसमें से आधा मावा हम सेवइयां में डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। इससे सेवई का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आप मावा नहीं डालना चाहते तो बिना मावा के भी यह सेवइयां बहुत अच्छी लगती हैं। थोड़ा और रिच टेस्ट के लिए इसमें ऊपर से 2 चम्मच घी और डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। तो अभी हमारी ईद स्पेशल किमामी सेवइयां रेडी है। इसे सर्विंग ट्रे में निकाल लेंगे। अब इसे सिल्वर वर्क से डेकोरेट कर देंगे। साथ ही हमने जो मावा बचा कर रखा है इसे सेवइयों के किनारे किनारे स्प्रेड कर देंगे। अब हमने जो ड्राई फ्रूट्स बचा कर रखे थे इसके ऊपर डाल देंगे। अब हमारी सेवइयां सर्व करने के लिए रेडी है। देखिए कितनी यम्मी टेस्टी हमारी सेवइयां बनी हैं। अब आप भी इसे बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खाते रहिए, खिलाते रहिए विद नीलम किचन फिएस्टा।